ये तीनों स्विच ऊपर होने चाहिए, ये चैनल वन है, ठीक है। ये तीनों स्विच किस चीज के हैं? ये चैनल वन चैनल टू, ये चैनल वन। चैनल वन में हम सिग्नल डालेंगे, ये हमने चैनल वन में डाला सिग्नल, ठीक है, जो डाला वो दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये टाइम पीरियड है, इसका मतलब कितने साइकिल में देखना है, ये फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ये 40 वोल्ट है दो डिवीजन में, ये 5 वोल्ट है, ये पहला, ये फर्स्ट चैनल, ठीक है, फर्स्ट चैनल है। अच्छा, ये सेकंड चैनल होगा, ये जब दबाएंगे तो ये चैनल वर्टिकल, ठीक है, ये चैनल इसमें डाला, ये सिग्नल वही सिग्नल इसमें दिया, ठीक है। और ये AC/DC का, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड होगा तो सिग्नल जीरो हो जाएगा। अगर इसको हम दबाएंगे तो AC काम करेगा, छोड़ देंगे तो DC पे चलेगा? नहीं, छोड़ेंगे तो AC, करेंगे तो ये DC, दबाएंगे तो DC। अच्छा, दबाएंगे तो DC है, छोड़ देंगे तो AC है। AC है, तो ये जीरो करेंगे तो ये ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये चैनल टू है, इसको उठा लो, ये ड्यूल है, दो ट्रेस है, एक ये, दो चैनल लिख सकता हूँ, दो चैनल। ये जैसे आपने इसमें डाला सिग्नल, ये दिखा रहा है, ठीक है, दो डिवीजन है ना, 10 वोल्ट है, ऐसे ही ये दिखाएगा, चैनल टू करा, ये ट्रिगर नहीं हो रहा, तो इसको चैनल टू पे कर दो, ये दो डिवीजन है, देखो, एक दो, 10 वोल्ट। अगर चैनल टू करना है तो इसको चैनल टू को ड्यूल में देखना है, तो इसको चैनल टू पे देख रहे हो तो चैनल टू पे, अगर वन पे देख रहे हो तो इसको वन पे कर दो, ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद ये ऐड है, दोनों को मर्ज करके दिखाएगा, ये मतलब ये भी है, ये भी है, दोनों से चलेगा, ये ऐड है, ठीक है, इसको ऐड से हटा दो तो ये चैनल वन पे आ गया। अच्छा, ये इसका हॉरिजॉन्टल है, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये चैनल वन का वर्टिकल है, ऐसे ही ये चैनल टू का वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल ये होगा, हॉरिजॉन्टल एक ही होता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये होल्ड ऑफ है, होल्ड ऑफ इसको जीरो रखना, इधर रखना, इधर करोगे तो इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है, देखो, ये अभी हमने इस पर ये इधर है तो ब्राइटनेस तेज है, इधर है तो थोड़ी सी हल्की हो गई नहीं, ये होल्ड ऑफ का है, तो ये मिनिमम पे रखना, ये स्विच ऊपर रखना है, ये स्विच ऊपर रखना, नहीं बाकी अगर नीचे रखेंगे तो DC पे आ जाएगा, नहीं वो मतलब अलग अलग फंक्शन है इसके। अच्छा, आपने जो इसको भी ऊपर रखना है, ये जो है TVH TVF, इसमें शेप चेंज हो जाती है। अच्छा, तो इसको भी ऊपर रखना, कुछ नहीं करना, ये दोनों स्विच ऊपर। अच्छा, ये ऑटो, इस टाइम ये ऑटो पे है, ऑटो से ये बीच में ऑब्लिक है ना, तो ये इसको दबाएंगे तो ये इससे ट्रिगर होगा, ये ऑटो नॉर्मल, ये फिर इससे काम करेगा, ये नहीं तो ट्रेस, अगर इसको हटाएंगे ना ट्रेस चली जाएगी, तो ये काम करेगा,
तो ये ऑटो पे रखना है, ऑटो पे कहीं भी ट्रेस नहीं जाएगा, ठीक है। ये चैनल वन है। अच्छा, ये सारा काम, अच्छा ये जो है ये इन्वर्ट है, ये उल्टा हो जाएगा, ये देखो इन्वर्ट उल्टी हो गई ना, ऐसे ही इसमें भी इन्वर्ट है। चैनल टू में करेंगे, ये आ गया, ये इन्वर्ट है, ये इन्वर्ट है, सारे फंक्शन आ गए। अच्छा ये जो है जैसे ये है, ये प्लस माइनस लूप है, ये उल्टा, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद ये ड्यूल पे रखा तो ये क्या है कि आल्ट और ये चौप पे चला गया, इसको ऊपर रखना, आल्ट पे रखना। आल्ट पे मतलब ये एक दफा वो चैनल चल रहा है, अल्टरनेट यानी एक दूसरे का अल्टरनेट। अच्छा, एक दफा वो चैनल चल रहा है, एक दफा वो, स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम की स्पीड बढ़ा देंगे तो टोटल ये सारे फंक्शन और ये इन दोनों का ये टाइम है, ये जैसे ये देखो, ठीक है, एक चीज तुम्हें समझा दी, ये देखो 10 साइकिल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एंड हो गया, ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, 10 साइकिल। अच्छा ये 1 मिली सेकेंड पे, 1 मिली सेकेंड पे, 0.5 पे ये 5 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 2 मिली सेकेंड पे 0.2 पे दो डिवीजन हो गए और 0.1 पे एक। ये मतलब ये भी कैलिब्रेटेड होता है। अच्छा, ये टाइम का टाइम पीरियड, ये वोल्टेज की है और ये वाले बीच वाली है, ये ऐसा कोई तुमने एक्सपेंड करके देखना है। अच्छा, कि उसके लिए नहीं तो ये लॉक रखना है। और ये एग्जिट का, ये एक्सटर्नल ट्रिगर, ये जो है ये ट्रिगर नहीं हो रहा ना, तो यही सिग्नल इस पे देंगे तो ट्रिगर हो जाए। ये ट्रिगर हो गया, एक्सटर्नल ट्रिगर, मतलब यही सिग्नल है, ये हमने एक्सटर्नल पे करा तो ये, नहीं तो ये मूव करती रही, एक्सटर्नल ट्रिगर लिखा हुआ ना, तो ये इसमें करा तो ये ट्रिगर हो गया, ठीक है। और यहां से इसको हटा देंगे तो ये, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ, ये 10 का वो है टाइम का, 10 का एक हो जाएगा, 10 साइकिल का एक हो जाएगा इनटू टाइम का, ये टाइम के अंदर इसका वो है, ये जैसे ये 10 का एक, ठीक है, ये इसको 0.2 पे करेंगे, ये 20 है, 20 का 2, ठीक है। और ये 0.5 पे करेंगे, इसका देखो कितना आता, 4, वो ये कैलिब्रेटेड है, ठीक है। अब उसके बाद सीटी पे आ जाओ, ये सीटी है मेन चीज, उनको सीटी चाहिए होगा, कंपोनेंट, ठीक है। इस पे एक मॉस्फेट चेक करके दिखा दो, मॉस्फेट
मैं डाइट ट्रांजिस्टर जिनर से चेक कर देता हूँ, बहुत वेट पता नहीं मान के। ये इनपुट है, ये ग्राउंड है, ये बॉडी भी ग्राउंड होती है, ठीक है। हमने लगाया, उल्टा कर देंगे डाइट को, ऐसे मॉस्फेट भी जैसे चेक करोगे वो नहीं, उसमें तो तीन पैर होते हैं ना, तो मॉस्फेट में तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मॉस्फेट हमारे मॉस्फेट होगा, तीन पैर वाले ट्रांजिस्टर होंगे। वो मॉस्फेट नहीं, हमारे पे तो सिंपल ट्रांजिस्टर होगा, ये तो रेगुलेटर है। तो ये चेक कैसे करोगे इसमें? रेगुलेटर तो इसमें क्या है, इनपुट देते हैं या आउटपुट देखते हैं, पर इसमें कुछ नहीं, ये चीज अच्छा, जिनर देख सकते हैं। ओके, हाँ, दो वाले जिनर देख सकते हैं, डायट देख सकते हैं। ये दोनों और ये तीन, ये ब्राइटनेस का, ये ब्राइटनेस का है। और ये फोकस है शार्प करने का, बस और कुछ नहीं, और इसमें कुछ है। एक्स वाई के अंदर ये अच्छा। ये वाई है, वर्टिकल है, ये एक्स है, ये एक्स है। इसका यूज क्या है इसमें? ये लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना किसी चीज का, टीवी की अलाइनमेंट भी इसी से होती है अच्छा। और कुछ उनके प्रैक्टिकल होते हैं वो एक्स वाई पे करते हैं कॉलेज में ना। ओके, तो स्कोप तो पूरा ही बनाना पड़ता है। हाँ, वो तो पूरा, तो ये एक्स वाई यूज करते हैं वो, पर आपके में वो ये चीज यूज नहीं होगी। ये दबा होगा तो बिंदु आएगा अच्छा। हाँ, इसको यहाँ से वो एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये आपने सीधा सीधी दबा।